आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। बहुत दिन से क्लास जो है वो आप सभी का पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अभी जो क्लास आप सभी को इतने रात को मिल रहा है, तो आज मैं कवर करूंगा आप सभी को 28 से 31 मई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, और कल सुबह में आपको 1 से 3 जून तक का करेंट अफेयर जो है वो कवर करवा दिया जाएगा। और कल रात को 11:30 बजे 2020 में टोटल जो इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है उसका एक हल्का सा टेस्ट होगा रात को 11:30 बजे, ठीक है। और बाकी क्लास भी, आपका मैथ क्लास भी कल नहीं परसों से आपका मैथ क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। उसके पहले बोल दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे एप्लीकेशन जो सक्सेस की 98 है उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, प्रैक्टिस सेट बोलते हैं वो दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, डिट्टो एग्जाम के जैसा जैसा आप एग्जाम में देते हैं। लेकिन अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको आने वाले 1 साल तक हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, या फिर वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई भी बैंक का एग्जाम हो, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और इसका पूरा पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो सक्सेस की 98 के नाम से है वहां पर भी टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने पेपरलेस विवाह समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए भारतीय विवाह समाधान केंद्र शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन में यह बताना है, पेपरलेस यानी बिना पेपर वगैरह अब आप कुछ नहीं लगेगा, आपका जो भी समाधान, जो भी आपका केस है वो डायरेक्टली यहां पर जो है वो सॉल्व किया जाएगा, इसीलिए एक पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण जो सेंटर जो है वो लॉन्च शुरू किया गया है। आपको बताना है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो है आपके जस्टिस ए के सिकरी के द्वारा। इस केंद्र में ना जितने भी एक्सपर्ट है कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो पूर्व जजेस है, या सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट लॉयर है, सब इसका पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस फिनटेक स्टार्टअप ने एसएमई यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज और स्टार्टअप के लिए अभिनव भुगतान समाधान के लिए वीजा के साथ एक डील साइन किया है, वीजा के साथ डील साइन किया गया है, वीजा कंपनी के साथ, तो यह साइन किया गया है आपका जैगल के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। यानी जैगल क्या है भैया, यहां से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटली। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से यूईएफए की ई यूरो 2020 में से कौन 16 देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आभासी फुटबॉल चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आया है। अब यहां पर अच्छे से आप सभी समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी आप सभी को पता है कि भैया कहीं पर भी कोई भी ग्राउंड में मैच वगैरह नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है ना, एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है जिसको नाम दिया गया है ई यूरो 2020। जैसे वीडियो गेम होता है ना, टोटली ऑनलाइन, ठीक है, इसमें इस गेम में बोल सकते हो 16 देश ने भाग लिया है। इसमें जो चैंपियन हुआ है वह हुआ है आपका इटली, ऑप्शन नंबर आपका डी, और यह फुटबॉल का गेम है। अगर बात करें इटली के राजधानी के बारे में तो क्या है आपका रोम। इटली का मुद्रा क्या है तो आप बोलेंगे वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है ना वो की जाती है आपका यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है तो ग्यूस्पी कोंटे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत बड़ा नाम फुटबॉल के क्षेत्र में, ठीक है, क्या नाम है इनका, सिमोनी, बहुत पॉपुलर कोच है ये, ठीक है। आप बोल सकते हो जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं आप फोटो देखकर समझ गए होंगे कितने बड़े व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने बार्सोलोना का भी कोच रहे हैं, मिलान का भी कोच रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या ब्राजील वाले रोनाल्डो उनको भी इन्होंने साइन किया, बहुत बड़े नाम है फुटबॉल जगत में।
इनका निधन हो गया है। आपको क्वेश्चन में यह बताना है वह किस देश से संबंधित थे। एग्जाम में पूछ सकता है, आपको यह भी पूछ सकता है यह किस देश संबंधित है, आप क्या बोलेंगे, यह संबंधित है आपके इटली से। और इटली के बारे में मैंने आपको ए टू जेड डिटेल बता चुका हूं, वहां का मुद्रा, प्रधानमंत्री कौन है या फिर वहां का राजधानी क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने डीआरडीओ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित डीआरडीओ द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन के द्वारा अंकित सुविधाओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देना है। यहां पर आप अच्छे से समझ लेना, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आप सभी को पता है अभी देश में क्या हो रहा है या विश्व भर में क्या हो रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी महामारी फैला हुआ है। अब यहां पर डॉक्टर जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, डॉक्टर नर्सेस है जो लड़ रहे हैं, जो मरीजों के संपर्क में जा रहे हैं, उनके ऊपर भी क्या है, उनके ऊपर भी खतरा है। तो यहां पर डीआरडीओ ने एक ऐसा एप्लीकेशन जारी किया है जिसके सहायता से वो बिना उनके संकर्ष में जाए हर एक जानकारी एकत्र कर सकते हैं। और ये किसने लॉन्च किया, नाम क्या है, आईना, ऑप्शन नंबर आपका बी, AINA, याद रखिएगा ठीक है। और अगर मैं बात करूं डीआरडीओ के बारे में तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में। डीआरडीओ का चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, 1958 में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने निम्नलिखित में से किसे, किस अफ्रीकी राष्ट्र की रक्षा सेना के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है, उगांडा के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, उगांडा के राष्ट्रपति, कैपिटल कंपाला, मुद्रा उगांडन सिलिंग। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि चार दिन का कवर करना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको क्वेश्चन ये बताना है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 में। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए अपने कामों के लिए आविष्कारक के रूप में नामित किया गया है, और उनका नाम क्या है, राजीव जोशी, ऑप्शन नंबर डी। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, यहां पर लगा भी दिया है, राजीव जोशी जो साइंटिस्ट है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। तो यह जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, मेजर सुमन गवानी, जिनको यूनाइटेड नेशन अवार्ड टू द इंडियन ऑफिसर, जिनको संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से नवाजा गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी, मेजर सुमन गवानी, सुमन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नितिन गडकरी ने हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चार धाम परियोजनाओं के तहत किस सुरंग, कौन से टनल का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। तो नितिन गडकरी जी ने चार धाम परियोजनाओं के तहत चंबा टनल यानी चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है, और कहां पर किया, उत्तराखंड में, कहां पर, उत्तराखंड में। अब ये सुरंग क्यों बनाया गया है, आप जानते हैं बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए, आप सभी को पता है बद्रीनाथ जाने में कितना प्रॉब्लम होता है, उस चीज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस बैंक ने किसानों और SME, अच्छे समझिएगा, सहित अंडर बैंक श्रेणी में ग्राहकों के लिए अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ करार किया है। तो किसने किया है ये, एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर आपका सी। और जो करेंट अफेयर मैं पढ़ा दे रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो भाई, कोई भी एग्जाम हो या फिर एग्जाम SCC बैंक या रेलवे, एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा, प्रमाण के साथ। आप रिसेंट में कोई भी एग्जाम जब हुआ था, CGL, CHSL, कोई भी, आपको मैंने दिखाया भी था एग्जाम के दिन रिव्यू के वक्त कि एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टार्टअप दुनिया के पहले कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ टेम्परेचर स्कैनर और मार्क्स डिटेक्शन ले आया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है। यहां पर क्या बोल रहा है, एक सॉफ्टवेयर
जो है वो विकसित किया गया है। उसके माध्यम से क्या होगा ना, आपका जो भी बॉडी का टेम्परेचर है उसका स्कैन कर लिया जाएगा, प्लस आपका मास्क जो है उसका पूरी तरह से डिटेक्शन कर दिया जाएगा, यानी जो भी वायरस वगैरह होगा वो हटा दिया जाएगा। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका वैम्स ग्लोबल, जो एक मुंबई की कंपनी है। ऑप्शन नंबर आपका बी वैम्स ग्लोबल, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मारुति सुजुकी ने कोविड 19 के कारण तरलता तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए कम ईएमआई वाले ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजनाओं की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा डील के साथ डील साइन किया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा, जिनका भी ईएमआई बहुत कम है उनको हेल्प वगैरह होगा। और आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। अगर बात करें, हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है तो आप क्या बोलेंगे? हम है ना। अगर बात करूं हेडक्वार्टर तो आप क्या बोलेंगे? मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वाड्रन जल्द ही भारतीय वायुसेना द्वारा आधुनिक बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को संचालित करने के लिए संचालित किया जाएगा? तो नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने म्यूचुअल फंड निवेशकों और स्टॉक ब्रोकरों और अन्य बिचौलियों की ऑनबोर्डिंग के लिए किस प्लेटफॉर्म पर EKYC सेवाएं शुरू की है? अब आपको पता है कि अभी बैंक में या किसी भी ऑफिस में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोविड 19 फैला हुआ है। तो यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यह घोषणा की है कि अपना जो भी KYC है, नो योर कस्टमर, ये सब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। कौन से प्लेटफॉर्म पर? तो स्टार्ट MF प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, ओला इलेक्ट्रॉनिक ने अपनी इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? किस कंपनी को एक्वायर किया गया है ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा? तो वो कंपनी है आपका रेगो वीवी, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आज का नहीं आप बोल सकते हो, जब भी क्वेश्चन मैं देखता हूं ना जेके रॉलिंग जो राइटर है उनका, तो मुझे हमेशा लगता है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेके रॉलिंग जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है लेखक के क्षेत्र में, तो इन्होंने क्या किया है ना, न्यूनतम बच्चों की पुस्तक का नाम क्या है जो पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध करवाया गया है? तो उसका नाम है आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी। आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे जेके रॉलिंग को बुक के साथ, बुक के कवर पेज के साथ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने कोविड 19 से लड़ने के लिए एक वैश्विक वर्चुअल स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी की है, और क्या ग्रामीण, जिफ्ट और पोलर जैसे कई ट्रैकिंग ऐप के साथ सहयोग किया है? तो एडिडास ने। आप यहां और इससे ना, इस वर्चुअल स्पोर्ट्स इवेंट से ना इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी जुड़े हुए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जो पॉपुलर नेम है क्रिकेट जगत की बात कर रहा हूं, भुवनेश्वर कुमार, वो सब, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है सिंगापुर के लिए? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका पेरी यासामी कुमारन, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, टाइफाइड और DST के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन धन योजना पर एक वेबिनार शुरू किया है? अब इसके अंदर क्या है ना, यही चीज है, सेम चीज है कोविड 19, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। क्या क्या चीज से आपको सतर्क रहना है, किस किस चीज पर ध्यान दिया देना चाहिए, और ये चीज लॉन्च करने वाला कौन है? आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
गवर्नर राज्यपाल कलराज मिश्रा, राजधानी आपका जयपुर। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि 3 दिन का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि 23 से 24 मिनट में फटाफट कवर कर लूं, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है जेपी मॉर्गन का अगला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, तो वो है आपके लियो पुरी। अभी ये किनको रिप्लेस किए, किनके जगह पर, तो जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा ना, कल्पना मोरापारिया, इनके जगह पर नया चेयरमैन जेपी मॉर्गन का कौन बनने जा रहा है, तो लियो पुरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीएफसी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ 225 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं और किस राज्य में बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर डील साइन किया है, किस राज्य ने, तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन और राजधानी की बात करूं तो आप सभी को पता है भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क यानी सड़क के चारों तरफ पौधा हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है, जिसमें दोनों तरफ, जैसे मैंने बताया ना, जिसने दोनों तरफ औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे, तो ये अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और ये कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी क्या है, तो वो है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करने जा रही है, जितने भी मेडिकल, जितने भी लोग हैं उस राज्य के, उनका जो भी मेडिकल स्टेटस है, उनका सारा डाटाबेस, उनका सारा जानकारी अपने पास रखेगी ये राज्य सरकार, कौन है, तो कर्नाटका, ऑप्शन नंबर आपका बी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री योदरप्पा। अगर राज्यपाल की बात करें बजूभाई वाला, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के पहले मुख्य खगोल विज्ञानी जिसका नाम क्या था, मदर ऑफ हबल, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम से ना क्या किया गया है, नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है, जो नासा है ना, उन्होंने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है, और क्या नया नाम रखा गया है, तो नया नाम रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, याद रखिएगा। और ये कब तक होगा, और ये लॉन्च करेगा 2025 तक नासा। और पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, नासा का जो हेड है उनका नाम आपको बताना है, नासा का गठन कब हुआ था, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिसर्चर ने यानी शोधकर्ताओं ने किस संस्थान में जितने भी कार है और जितने भी एरियो इसेफ घटकों में स्टील और अल्मीनियम को बदलने के लिए एक हल्के वजन वाले मिश्र धातु का विकास किया है, यानी अब आपको गाड़ी में ना जो स्टील और अल्मीनियम दिखाई देती है, अब हो सके आने वाले कल में अब ये आपको दिखाई ना दे, इसके जगह पर एक मिश्र धातु का जो है वो आविष्कार किया गया, विकसित किया गया, किस संस्थान के द्वारा, तो IIT मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने कर्नाटका मेगा बोर्ड के साथ एक समझौते पर डील साइन किया ताकि किसान जो है अपना ऑनलाइन उपज बेच सकेंगे, बहुत अच्छी खबर है। और ये किस ऑनलाइन वेबसाइट पर या ई कॉमर्स कंपनी पर, तो वो फ्लिपकार्ट पर, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, फीफा फुटबॉल की बात हो रहा है, ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए एक अभियान शुरू किया है, उसके लिए इसने, जो फीफा है उसने इस अभियान को सफल बनाने के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है, तो वो संस्थान है आपका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और आपको पता है इसका हेड कौन है, टेड्रोस एधोनोम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में एक शहर में मुफ्त में लगभग
10,000 कैम लगाने की योजना के साथ एक निगरानी अभियान शुरू करने जा रहा है। तो ऐसा कौन करने जा रहा है? 10,000 आप बोल सकते हो वेबकम लगेगा, कौन कंपनी करने जा रही है? तो वो ऑप्शन नंबर डी, सिक्योर कैम आईटी सॉल्यूशन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रख्यात उर्दू लेखक और व्यंगकार मुज्तबा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उन्होंने जीता है? तो उन्होंने जीता है पद्मश्री पुरस्कार, उनको मिल चुका है बहुत बड़ा पुरस्कार। तो समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना बड़ा है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आप सभी से। मुज्तबा हुसैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक क्या थे? तो आप क्या बोलेंगे? वह एक लेखक थे, उर्दू राइटर, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा स्पीड भी करवाया है क्योंकि 4 दिन का करेंट अफेयर, मैं नहीं चाहता क्लास बहुत ज़्यादा लंबा खींचे, ठीक है ना। सो 28 से 31 तक मैंने कवर कर दिया है, 1 से 3 तक मैं कल सुबह में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर का जो क्लास है वो आपका लाइन बाय लाइन ठीक टाइम सुबह 4:30 बजे जो है वो चलता रहेगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर दिया गया है, ठीक है ना। अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।